हेलो हेलो व्हाट्सएप पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आप लोगों के लिए लेके पेश हूं लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर फोर्थ। इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर फाइव की ओर बढ़ेंगे। देखिए, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और कोर्स हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो, और वापस सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगा। इससे पहले हमने तीन वीडियोस कंप्लीट करे थे चैप्टर नंबर फोर्थ के, ये लेक्चर नंबर फोर है और इस वीडियो के बाद में चैप्टर नंबर फोर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड, हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम उसके बाद में ज्योग्राफी सिविक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर फोर में कल हमने देखा था कुछ इसके पार्ट्स, नए सिटीज के डेवलपमेंट्स वगैरह जो है वहां सब हुए। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स वो है अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स टाउन इन गुजरात, जो गुजरात का टाउन है उसका एक क्लोजर लुक, और वो टाउन कौन सा है, धोलावीरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में सील्स किस तरह से लगाई जाती थी गुड्स के ऊपर और उनका इंटैक्ट कैसे चेक किया जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ मिस्ट्री है एंड में, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमने जब ये पोर्शन अगर मान लीजिए अगर कंप्लीट कर लिया तो हमारा चैप्टर नंबर फोर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स टाउन इन गुजरात, हम एक क्लोजर लुक से देखते हैं गुजरात उसके टाउन के बारे में। वो टाउन कौन सा है, धोलावीरा। सिटी ऑफ धोलावीरा इन रन ऑफ कच्छ वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, जो धोलावीरा है रन ऑफ कच्छ में वो डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, एंड ईच वॉज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस। जो धोलावीरा है रन ऑफ कच्छ में वो जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में, और हर एक पार्ट जो है सराउंडेड है, किस चीज से सराउंडेड है, बाय मैसिव स्टोन वॉल्स, बड़ी बड़ी पत्थरों की वॉल से जो है वो सराउंडेड है। क्यों, विद एंट्रेंसेस, एंट्रेंसेस उनमें दे रखा है और बड़ी बड़ी पत्थर की वॉल्स के साथ में वो जो है सराउंडेड है। क्यों, इट ऑल्सो हैड एन ओपन एरिया फॉर पब्लिक सेरेमनीज, और उनमें जो है ओपन एरिया दे रखा है पब्लिक सेरेमनीज के लिए, उनमें ओपन एरिया दे रखा है, ठीक है ना। सिटी ऑफ धोलावीरा जो रन ऑफ कच्छ में है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट में जो स्टोन वॉल्स जो है उसको बहुत अच्छे से सराउंड किया गया है, उसमें एंट्रेंस दे रखी है किसकी, जाने की। एंड इट ऑल्सो हैड एन ओपन एरिया फॉर पब्लिक सेरेमनीज, और पब्लिक सेरेमनीज के लिए उनमें ओपन एरिया भी प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद में सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स साबरमती नियर गल ऑफ कंबट, जो लोथल की सिटी है वो स्टैंड्स बिसाइड साबरमती, साबरमती के पास में है नियर गल्फ ऑफ कंबट, जो गल्फ ऑफ कंबट के पास में है साबरमती, उसके पास में सिटी ऑफ लोथल जो है स्टूड करती है। इट वॉज द पोर्ट सिटी एंड इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, ये जो थी एक पोर्ट सिटी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, जो किस काम में आती थी, फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, ये फेमस थी कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने में स्टोन से, शेल्स एंड मेटल्स, मतलब स्टोन शेल और मेटल्स है। तो लोथल की जो सिटी थी वो फेमस थी उसके स्टोन मेटल के कोई भी आइटम्स को, प्योर स्टोन में से उसको आइटम्स बनाने में। ओके, ऑल्सो अ सेंटर ऑफ मेकिंग बीड्स एंड सील्स, ये एक ऐसा सेंटर था जहां पे बीड्स और सील्स जो है बनाई जाती थी। सेमी प्रेशियस स्टोन्स इजीली अवेलेबल हियर, और यहां पर जो है हमारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो थे इजीली अवेलेबल हो जाते थे, ठीक है ना। सिटी ऑफ लोथल जो है साबरमती के पास में, जो गल्फ ऑफ कंबत के पास में है, वो जो थी पोर्ट सिटी थी और एक इंपॉर्टेंट सेंटर थी। उस किस कारण से वो इंपॉर्टेंट सेंटर था, जो भी स्टोन शेल्स और मेटल होते थे उससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट वहां पे बनाने का जो था बहुत स्पेशलाइज्ड था। उसके बाद में सील्स क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टू स्टैम्प बैग्स, बैग्स को स्टैम्प करने के लिए जो काम आती थी वो आती थी सील्स। ओके, और पॉकेट्स कंटेनिंग गुड्स, और कोई भी ऐसे पॉकेट्स जो गुड्स को कंटेन करते हैं, ठीक है, उसको बंद करने के लिए हमें सील्स की जरूरत पड़ती थी। ओके, व्हेन बैग क्लोज्ड वेट क्ले अप्लाइड, और जब बैग्स क्लोज होते थे तो वेट क्ले जो है अप्लाई करी जाती थी, है? On knot and seal pressed on it. ठीक है, जब when bags closed, wet clay applied. जब bags को close कर दिया जाता तो wet clay उस पे apply करी जाती थी, ठीक है? On knot, उसके जो knot होता था जिसपे बंद करते थे, तो wet clay वहाँ पर apply करी जाती थी सबसे पहले,
एंड सील प्रेस्ड ऑन इट, और उसपे जो है जैसे उन्होंने नॉट पे वेट क्ले को अप्लाई किया, गुड्स पैक, देखिए सबसे पहले गुड्स पैक किया, उसके ऊपर वेट क्ले लगाई, वेट क्ले के ऊपर जो होती थी सील जो है प्रेस कर दी जाती थी इस तरह से, जिससे गुड्स जो है बाहर नहीं निकले उस पर्टिकुलर कैरेज से, एंड इफ सील इज इंटैक्ट, और सील जो है इंटैक्ट होती थी, मतलब अगर टाइट होती थी, ठीक है, इट मीन्स गुड हैड अराइव्ड सेफली, और जब जिस जगह पे गुड्स जाना होता था, जब जगह वो उस जगह पे अगर गुड्स पहुंच जाता था, ठीक है, और उस पर सील उसी तरह से लगी हुई होती थी, तो ये माना जाता था जो गुड्स जिस डेस्टिनेशन से आया है वहां से सेफली पहुंच गया है। ओके, फिर मिस्ट्री एट द एंड, हम एंड में क्या मिस्ट्री है इसके बारे में पढ़ेंगे। अराउंड 3900 ईयर्स अगो, मतलब आज से 3900 ईयर्स अगो, पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन दो सिटीज, लोग जो थे उन सिटीज में रहना उन्होंने बंद कर दिया था। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स बिकेम रेयर, और जो रॉ मटेरियल अलग अलग डिस्टेंट लैंड से उन लोगों ने मंगवाया था वो रेयर हो चुका था। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक एंड गार्बेज पाइल ऑन द स्ट्रीट्स, जो ड्रेनेज सिस्टम था जिस तरह से उन्होंने नई सिटीज में ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जिससे जो भी डर्ट है वो एक तरह की ड्रेनेज में जाती थी, वो सब ब्रोक हो गया, ठीक है, और गार्बेज पाइल्ड ऑन स्ट्रीट, और जो भी कचरा होता था वो स्ट्रीट्स पे गिर गया, स्ट्रीट्स पे पाइल्ड अप हो गया। एंड न्यू अनइम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ऑन स्ट्रीट, और जो अनइम्प्रेसिव हाउसेस हैं वो स्ट्रीट्स पर बिल्ड होते थे, ठीक है। एक क्या है इसका मतलब, 3900 ईयर्स अगो, मतलब आज से 3900 ईयर्स बैक, पीपल स्टॉप लिविंग इन दोस सिटीज, लोगों ने उन सिटीज में रहना छोड़ दिया। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, रॉ मटेरियल को जो है अलग अलग जगहों से उस जो मंगवाया जाता था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम रुक, वहां का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो रुक गया था, टूट गया था, जिसकी वजह से जो है गार्बेज स्ट्रीट्स पे पाइल्ड अप हो गया, है ना। एंड अनइम्प्रेसिव हाउसेस, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड हाउसेस जो हो कह सकते हो, या आप कोई अनएथिकल तरीके से बना हुआ घर, वर बिल्ड ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स पे इस तरह के घर जो हुए बने हुए होते थे। गाइस जगह मैंने खाली छोड़ दी, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट इफेक्ट। मैं आने वाले कुछ दिनों में इस लाइट इफेक्ट के लिए भी परमानेंट सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सम से रिवर्स ड्राइड अप, कुछ लोग ये कहते हैं कि रिवर्स जो है ड्राइड अप हो चुकी है। सम से फ्लड केम, जो कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड जो है आती है। सम टॉक अबाउट न्यूक्लियर वॉर, कुछ लोग कहते थे कि न्यूक्लियर वॉर हुआ है, बट नन कुड एक्सप्लेन, लोग कुछ भी कहते थे पर वो अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते थे। क्या बोला मैंने, सम से रिवर्स ड्राइड अप, कुछ लोगों ने कहा कि मिस्ट्री इस तरह से हुई कि रिवर्स ड्राइड अप हो गई, कुछ लोगों ने कहा कि फ्लड आया, कुछ लोगों ने कहा कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो गया है, ठीक है, पर उन चीजों को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब लोगों ने बहुत सी चीजें बताई पर लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल एंड पीपल मूव टू न्यू सेटलमेंट्स, रूलर्स जो थे वहां के उन्होंने वहां पे कंट्रोल जो है लॉस्ट कर दिया था और लोग नए सेटलमेंट्स और नए एरियाज में मूव कर रहे थे, एंड एरियाज में वो मूव कर रहे थे, ठीक है। न्यू सिटीज इमर्स्ड 1400 ईयर्स लेटर, और ये सब मिस्ट्री होने के बाद में अर्ली सिटीज के बाद में नई सिटीज वापस से पनपी, वापस से ग्रो हुई, कब, 1400 ईयर्स बाद में। ओके, तो गाइस इस तरह से हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4th आराम से पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने एनसीईआरटी के चैप्टर की बुक की रीडिंग थॉरली करने के बाद में उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। प्लीज मेरी इस मेहनत को सपोर्ट कीजिए, एंड हो सके जितना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कुछ भी जो भी लोग यूपीएससी एसएससी सीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री या सोशल साइंस से रिलेटेड कंटेंट आते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप रेगुलरली अपडेटेड रहें और वीडियोस को देखते रहें। उससे क्या होता है कि जैसे आप वीडियोस को एब्सोल्युटली देखेंगे तो आपका एनसीईआरटी का रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज उससे जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी अपडेट मैं यहां तो आपको प्रोवाइड करते ही, वहां पर भी इजीली आपको कनेक्शन हो जाएगा अपडेट से, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और इसके बाद मैं जगह छोड़ दूंगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे, तो उसको पॉज कर दूंगा, तो आप लिख लीजिएगा। ओके।